तो अब ये वाला जो समय फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट का मोस्ट रिपीटेड समय और वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग समय मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में ही मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सॉल्यूशन में जो दिया गया है और प्रैक्टिकली वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं उसमें बहुत कुछ फर्क है। तो ये सब अपन डिस्कशन करने वाला है। यस, ये सम है फॉरवर्ड कैंसिलेशन का सम। और फॉरवर्ड कैंसिलेशन में कैंसिलेशन कब होता है, ड्यू डेट के पहले होता है, ड्यू डेट के दिन पे होता है, या ड्यू डेट के बाद एक्सटेंशन होता है, उसकी बहुत सारी वैरायटी है। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से फॉरवर्ड कैंसिलेशन के ऊपर एक पूरा वीडियो सेक्शन बनाया है, आप वो जरूर देखिएगा। सो लेट अस डू दिस सम। और ये सम हम लोग पहले कर लेते हैं। सम का मैं कॉन्सेप्ट और टेक्निक और कैलकुलेशन बताऊंगा, उसके दरमियान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सम का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में जो उन्होंने जिस तरीके से किया हुआ है और प्रैक्टिकली सर क्या डिफरेंस होता है सम में, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। लेकिन आपको एग्जाम में 8 मार्क का ये सम आता है, तो वो कैसे उसको क्लियर करना है वो भी अपन देखेंगे। कीपिंग द प्रैक्टिकलिटी असाइड, 8 मार्क्स स्कोर करना जो अपना मकसद है वो भी अपन यहाँ पे फोकस करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सम में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो काफ़ी कुछ अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सम है, तो आप यहाँ पे जरूर टाइम दीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट अब तक लास्ट, जहाँ तक मुझे पता है, मई 2015 के बाद, या मई 2015 या मई नवंबर 2015 के बाद उसने हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट ये सम निकाला हुआ है। खास करके ये सम शायद मई 2015 में आया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद से रिपीटेडली हर अटेम्प्ट में ये सम आ रहा है। सो लेट अस क्विकली रीड द सम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, तो दिया हुआ है यहाँ पे सर फॉरवर्ड कैंसिलेशन में सेम समय विथ सेम फिगर्स। सो लेट अस रीड। An importer booked a forward contract with his bank on 10th April US for US dollar 2 lakh. तो importer था जिसने bank के साथ 10 अप्रैल को 2 लाख डॉलर buy करने का contract किया रहेगा। और ड्यू ऑन 10 जून 64 एट द रेट ऑफ 64.4000। सो एक इम्पोर्टर है सर, इंडिया का इम्पोर्टर होगा क्योंकि दूसरी करेंसी रुपीज़ है, तो इंडिया का इम्पोर्टर होगा, उसने यूएस डॉलर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट मारा है। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट उसे 10 अप्रैल को मारा है, विच इज ड्यू ऑन 10 जून। द बैंक कवर इट्स पोजिशन इन द मार्केट एट 64.28। तो बैंक ने क्या रेट पर इंटर बैंक में कवर किया रहेगा वो भी अपने को दिया है। इसको समझने के लिए सर आपको ये टाइमलाइन बनाना जरूरी है, जो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। तो सर 10 अप्रैल को अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 10 अप्रैल को डॉलर 2 लाख का ऑर्डर मारा है, विच इज ड्यू ऑन 10 जून। तो 10 अप्रैल को सौदा मारा है जो 10 जून को ड्यू था। तो 10 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग डेट रखा है मैंने, 10 जून ओरिजिनल मेच्योरिटी रखा है। कस्टमर इंपोर्टर ने क्या किया था, डॉलर बाई किया था और सेल रुपी किया था, कितना डॉलर, 2 लाख डॉलर एट 64.4000। और सामने बैंक ने इंटर बैंक में भी बाय करने का ऑर्डर मारा रहेगा एट 64.2800। ये सिचुएशन दिया था। आगे उन्होंने बोला एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर्स इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन 10 जून एंड 20 जून दिया हुआ है। अब याद रखना 10 जून क्या है, अपना ओरिजिनल मच्योरिटी डेट है, और 20 जून भी एक डेट दिया हुआ है। क्या है 20 जून में, क्या हो गया उस दिन के, अपने को स्पॉट रेट दिए हुए हैं। स्पॉट रेट मतलब सर ये 10 जून का रेट है और ये 20 जून का। और उन्होंने बोला है स्पॉट जून जुलाई अगस्त सितंबर। सर अब ये स्पॉट जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब ये सर क्या है, फॉरवर्ड रेट है। तो ये जून एंड का रेट है, जुलाई एंड का, अगस्त एंड का और सितंबर एंड ऑफ द मंथ के रेट्स है, क्योंकि ये जून का फर्स्ट डेट का तो रेट हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला 10 जून का रेट है। तो सर ये फॉरवर्ड रेट्स है जो आपको 10 जून को मिल रहे हैं और 20 जून को, ये एंड ऑफ द मंथ के रेट्स है भले उन्होंने ना दिया हो। अब आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन आता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नया एडजस्टमेंट आता है, एक्सचेंज मार्जिन इज 0.1% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड इज 12%। इसका अपन रेपरकेशन देखेंगे। द इंपोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 20th जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू डेट ऑन 10th अगस्त। तो क्या आपने नोटिस किया, यहाँ पे ओरिजिनल मैच्योरिटी था वो 10 जून था, लेकिन 20 जून को कस्टमर आके बोलता है कि मेरे को एक्सटेंशन करना है और उसको रिवाइज मैच्योरिटी चाहिए, 10 अगस्त का चाहिए। तो सर इस संदर्भ से क्या होता है, यहाँ पे 10th अप्रैल को उसने कॉन्ट्रैक्ट मारा था, 10 जून को ड्यू होना था, लेकिन वो बंदा 20 जून को आया और एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सर 10 जून से 20 जून तक वो बंदा गायब था, ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो इंपोर्टर ये 10 दिन के लिए अवेलेबल नहीं था। नाउ दिस इज अ यूनिक सिचुएशन। आइडियली सर आपको होता है एक्सटेंशन या तो बिफोर ड्यू डेट होता है, ऑन ड्यू डेट होता है, आफ्टर ड्यू डेट एक्सटेंशन मतलब सर जहां पे कस्टमर अवेलेबल नहीं था 10 दिन के लिए, वो सिचुएशन में क्या करने का वो अपन देखेंगे। तो ओरिजिनल मैच्योरिटी सर आपका भले 10 जून था, लेकिन कैंसिलेशन होने वाला है 20 जून को, क्योंकि कस्टमर 20 जून को आने वाला है और उसने रिक्वेस्ट किया एक्सटेंशन का, लेकिन आपको पता है सर एक्सटेंशन के लिए उसको पुराना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा।
अब दो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है. रेट्स राउंडेड टू 4 डेसिमल इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0025, मतलब 25 पिप्स में आपको रेट्स को राउंड ऑफ करना है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है. और दूसरा दिया है 10 जून को बैंक स्वॉप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड. ये दोनों एडजस्टमेंट को मैंने हाईलाइट इसके लिए किया है क्योंकि ये जो आपको आरटीपी में सम दिख रहा है उसमें ये इन्फॉर्मेशन जरूर मेंशनड है, बट सर पास्ट पेपर का जो सम था इंस्टीट्यूट ने उसमें ये इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया था. हालांकि स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट जरूर करता था कि आप अपने आप से राउंड फिगर कर दो और बैंक स्वॉप भी कर दो. अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो अभी करना क्या है सर, सबसे पहले आपको कैंसिलेशन करना है. क्यों कैंसिलेशन करना है? क्योंकि ये बंदा ड्यू डेट के बाद आया और वो कैंसिलेशन का रेट निकालना है और उसका अमाउंट निकालना है. पहले अपन ये दो चीज पे फोकस करते हैं, फिर जो दो नया चीज है स्वॉप लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स पे फोकस करते हैं. ये सबको मिला के बनता है टोटल कॉस्ट. तो पहले अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे इंस्टेड ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट और फिर अपन नया कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे एक्सटेंशन का. तो पहले अपन पार्ट 1, 2, 3, 4 करेंगे, फिर वो सबका मिश्रण होकर पार्ट 5 होगा, पार्ट 6 होगा और पार्ट 5th को अपन अलग से करेंगे. राइट, ये सब चीजें करनी है. इसके लिए सर एक एक करके चीज समझते हैं. वापस से 10th अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 जून के मैच्योरिटी का, लेकिन इंपोर्टर आया 20 जून को तो तब कैंसिलेशन कर रहा है और 10th अगस्त का एक्सटेंशन मारने को बोल रहा है. तो सर सबसे पहला चीज उन्होंने बोला हुआ है अपने को क्या, कैंसिलेशन रेट निकालो. नो, कैंसिलेशन रेट क्या होता है सर? कैंसिलेशन रेट मतलब इंपोर्टर ने पहले सौदा मारा था डॉलर बाय करने का, तो अभी कैंसिलेशन के लिए सर उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर सेल करना पड़ेगा. कब करना पड़ेगा सर? जिस दिन कस्टमर कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट लेके आता है. तो 20 जून को द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसिल ऑन द एट द स्पॉट रेट ऑन 20th जून एज बिलो. स्पॉट रेट क्यों? क्योंकि सर मैच्योरिटी हो गया है तो आपको ड्यू डेट हो गया है तो आपको उसी डेट पे स्पॉट वाले डेट पे 20 जून को मार्केट में डॉलर सेल करना पड़ेगा. अभी सर ये जो इंटरबैंक के वगैरह के रेट दिए हुए सर, ये कस्टमर को भी मर्चेंट कोड्स भी दिया हुआ है, तो सर ये बैंक के लिहाज से रेट है. तो 20th जून को स्पॉट मार्केट में आप क्या करने वाले हो, आप डॉलर बेचोगे, यू विल बाय सामने वाला, सेल डॉलर, सामने वाला बैंक विल बाय एट अ लोअर रेट, दैट इज बिड रेट. तो सर वहां पे बिड रेट पे आपके डॉलर का सौदा होगा, तो सर कैंसिलेशन के लिए रेट एप्लीकेबल होगा 63.6800 का रेट एप्लीकेबल होगा. ये रेट पे कैंसिलेशन होगा क्योंकि सर आप क्या कर रहे हो, आप वापस से आपने पहले बाय किया था, अभी आप सेल करोगे, यू विल सेल, सामने वाला बैंक विल बाय एट बिड रेट, तो सर वो बिड रेट के हिसाब से 63.6800 लगेगा. ऊपर से उन्होंने सर एक्सचेंज मार्जिन बोला है 0.1% लगेगा. तो आप कोई एसेट खरीदते हो तो मार्जिन ऐड होता है, यहाँ पे क्योंकि आप करेंसी बेच रहे हो तो मार्जिन लेस होगा, तो उतना माइनस करके 63.6163 का आंसर आता है. लेकिन उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या दिया सर, रेट्स को राउंड ऑफ कर दो 25 पिप्स के तहत. तो सर 25 पिप्स के तहत राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 6163 है, तो राउंडेड ऑफ करके सर वो 25 पिप्स के तहत राउंडेड ऑफ करके 63.6175 का रेट लगेगा. और सर ये आप कस्टमर को फाइनल रेट दोगे एक डॉलर का, उसको 63.6175 लगेगा. ये क्यों लगेगा सर? क्योंकि ये इसको कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन रेट लगेगा. अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो सर वो बंदे ने रेट बुक किया था 64.4000 पे उसने बाय किया था और अभी वो सेल करेगा सर 63.6175 पे. तो सर 64.4 पे बाय करेगा, 63.6175 पे सेल करेगा, तो उसको नुकसान हो जाएगा. तो सर उसको जो नुकसान होगा एक डॉलर पे इंटू $200 करोगे तो सर 156,500 का टोटल उसको अमाउंट पेबल बनता है $200 पे. ये उनका सर पहले दो चीज का आंसर था. अब इसके अंदर एक छोटा सा मिस्टेक है जो मैं बाद में बताऊंगा इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, वो अभी अपने को इग्नोर कर रहा है. अब सर ये हो गया पहला चीज, आपने कैंसिलेशन रेट निकाला. उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझना जरूरी है कि 10 जून को नहीं 20 जून को जब कस्टमर आता है उस दिन के रेट पे, उस दिन के स्पॉट रेट पे आपको कैंसिलेशन करना है. एंट्री सर आपको रिवर्स मारना है, तो पहले कस्टमर ने बाय किया था डॉलर, अभी उसको सेल करना है, वो सेल करेगा, बैंक बाय करेगा एट द लोअर रेट, दैट इज बिड रेट. एक्सचेंज का मार्जिन लेस होगा क्योंकि एसेट बेचा जा रहा है और फिर उसको राउंडेड ऑफ किया जा रहा है 25 पिप्स में. और वो अमाउंट सर, वो अमाउंट जो आप पे करोगे और सामने आपने जो अमाउंट पे डॉलर बाय किया था और सेल किया था उसका डिफरेंस निकालोगे, तो $200,000 पे सर आपको 156,500 का आपको अमाउंट पेबल. ये कैंसिलेशन चार्जेस मैं इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि कैंसिलेशन चार्जेस में अभी दूसरी दो चीजें भी आना बाकी है, स्वॉप लॉस और इंटरेस्ट आउटले ऑफ फंड्स, ये दोनों चीजें भी आना बाकी है. तो अभी तक अपन ने क्या किया है सर, अभी तक अपन ने यहाँ पे कैंसिलेशन रेट के बेसिस पे अमाउंट पेबल निकाला है. जब स्वॉप लॉस और इंटरेस्ट आउटले करेंगे तब जाके टोटल कॉस्ट आएगा. अब जरा अच्छे से समझते हैं क्या है स्वॉप लॉस. तो स्वॉप लॉस का उन्होंने अपने को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है
ऑन 10 जून, 10 जून मतलब ये 10 जून के रेट्स पे बैंक डज अ स्वॉप, कैसे सर? बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग वन मंथ फॉरवर्ड। तो सर आपको बैंक के लिहाज से सोचना है, अभी बैंक किसके साथ करने वाला है ये? सर बैंक ये चीज करने वाला है इंटर बैंक के साथ, तो बैंक स्पॉट में बेचेगा, तो सर बैंक भी अब एक कस्टमर हो गया, तो बैंक इंटर बैंक में सेल करेगा, आई विल सेल, सामने वाला बैंक विल बाय एट कौन सा रेट? एट लोअर रेट, दैट इज बिड रेट। तो सर वन अभी उन्होंने बोला है स्पॉट में आप बेचोगे, सामने वाला बैंक खरीदेगा एट 63.8000, और आप वन मंथ फॉरवर्ड में बाय करोगे, वन मंथ फॉरवर्ड में आप बाय करोगे, सामने वाला सेल करेगा एट सर रेट दिया हुआ है 63.9500 पे। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं स्वॉप से क्या होने वाला है, उसके साथ अपन समझेंगे कि ये स्वॉप किया क्यों जाता है। तो जो उनका इंस्ट्रक्शन था सर वन मंथ फॉरवर्ड में बाय किया जाएगा और सर स्पॉट में बेचा जाएगा, तो वन मंथ फॉरवर्ड में बाय किया जाएगा 63.9500 पे और सर वहाँ पे बेचा जाएगा 63.8000 पे। उन दोनों के डिफरेंस पे सर बैंक को होने वाला है यहाँ पे नुकसान, और वो नुकसान $200,000 पे 30,000 का नुकसान होगा, और ये होने वाला है कस्टमर की वजह से, तो कस्टमर के बिल में ऐड हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना जरूरी है कि बेसिकली ये किया क्यों जाता है। तो सर एक चीज़ समझना आप भी कि बैंक ने 10 जून को मतलब बैंक ने ओरिजिनली सर आपके साथ जो डेट था 10th अप्रैल को बैंक ने भी इंटर बैंक में कवर किया था। अभी सर 10 जून को आपको आके कैंसिलेशन करना था लेकिन आप तो आए नहीं है, आप एक्सटेंशन कर दिए, तो बैंक आपके साथ तो बाद में कैंसिल करेगा, लेकिन बैंक को अपना कमिटमेंट इंटर बैंक में पूरा करना पड़ेगा ऑन द ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 10 जून। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस दिन दो चीज करेगा, बैंक उस दिन उसने जो पहले किया था, उसने पहले आपने जब डॉलर बैंक से बाय किया था तो बैंक ने भी इंटर बैंक में किसी से बाय किया रहेगा, राइट? तो बैंक अभी उस चीज को पहले स्क्वेयर ऑफ करेगा, उसको कैंसिल आउट करेगा। कैंसिल आउट कैसे करेगा, बैंक ने डॉलर बाय किया था तो बैंक डॉलर अभी बेचेगा, तो स्पॉट में बेचेगा क्योंकि सर कैंसिलेशन का डेट आ गया, ड्यू डेट आ गया। तो 10 जून को बैंक स्पॉट में सेल करेगा इंटर बैंक में। क्यों सेल करेगा सर? पुराना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। लेकिन ऐसा करने के बाद ही बैंक के बुक में कस्टमर का ऑर्डर खड़ा रहेगा, क्योंकि कस्टमर तो 10 जून को आया नहीं, लेकिन इंटर बैंक में सर कोई भी ऑर्डर नहीं रहेगा, वो स्क्वेयर ऑफ हो चुका रहेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड अ नेकेड पोजीशन व्हिच अ बैंक कैन नॉट कीप। बैंक को कवर करना जरूरी है, तो कस्टमर के साथ ऑर्डर अभी भी खड़ा है, वो तो 20 जून को कैंसिल होने वाला रहेगा, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि 10 जून को तो आपको नहीं पता है, लेकिन आपने इंटर बैंक में स्क्वेयर ऑफ कर डाला, तो कस्टमर आज नहीं तो कल फ्यूचर में आ सकता है। इसके लिए बैंक को प्रोविजन के लिए आज ही एक इमीडिएट फॉरवर्ड बुक करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को नहीं पता कस्टमर कब आने वाला है। तो बेसिकली बैंक दो चीज करता है, एक तो इंटर बैंक में सर पहले डॉलर बाय किया था तो आज सेल करेगा स्पॉट में क्यों? कैंसिलेशन के लिए। दूसरा वन मंथ फॉरवर्ड में बाय करेगा, क्यों? प्रोविजन के लिए। दोनों सौदा आज ही किया जाएगा, आज मतलब 10 जून को ही किया जाएगा। तो ये जो बैंक इंटर बैंक में एक साथ दो पोजीशन लेता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वॉप, और उसके अंदर जो भी बैंक को डिफरेंस आ रहा है वो बैंक को पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को ये तकलीफ कस्टमर की वजह से हो रहा है, तो स्वॉप लॉस बैंक को पे करना पड़ेगा जो वो कस्टमर से रिकवर करेगा। तो अच्छे से समझते हैं वापस से क्या हुआ है, और मैंने उसको राइटअप दिया हुआ है, आप एग्जाम में भले लिखो नहीं लिखो, आपके रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है जो मैंने राइटअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑन 10 जून क्या करेगा सर, बैंक डज अ स्वॉप बाय सेलिंग डॉलर एट स्पॉट फॉर क्या चीज के लिए सर, फॉर कैंसलिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरबैंक मार्केट एट बिड रेट पे। क्यों? क्योंकि पहले बैंक ने बाय किया था तो अभी बैंक सेल करेगा एट बिड रेट, दैट इज 63.8। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि बैंक स्पॉट में क्यों बेचेगा, फॉर कैंसलिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा ऑल्सो बैंक विल बुक वन मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन इंटर बैंक, क्यों? क्या चीज के लिए सर, फॉर द कस्टमर बाय बाइंग डॉलर एट स्पॉट रेट। ये क्यों करेगा, बाइंग डॉलर एट आस्क रेट फॉर द इमीडिएट मैच्योरिटी, दैट इज इमीडिएट फॉरवर्ड। तो सर इमीडिएट फॉरवर्ड में क्यों करेगा, इमीडिएट फॉरवर्ड कौन सा अवेलेबल रहेगा सर, 10 जून को आप देखोगे तो इमीडिएट फॉरवर्ड जून का है, इसीलिए अपन ने जून वाले में किया है, मतलब 30th जून का शायद आप अज्यूम कर सकते हो, 30th जून के फॉरवर्ड में करना पड़ेगा। सर आपको इमीडिएट फॉरवर्ड क्यों करना पड़ेगा, सर आप कोई और फॉरवर्ड भी कर सकते हो लेकिन आपको पता नहीं कस्टमर कब आने वाला है, तो जो इमीडिएटली अवेलेबल रहेगा डॉलर का फॉरवर्ड रेट उस पर बुक कर देने हैं। सर ये कंडीशन जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डाला हुआ है, बैंक सेल्स एट स्पॉट एंड बाइज वन मंथ फॉरवर्ड, ये इंपोर्टर के सिचुएशन में ही होगा, एक्सपोर्टर के सिचुएशन में शायद दूसरा उल्टा ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बैंक को कैंसिलेशन डेट पे जो ओरिजिनल डेट है दैट इज 10 जून,
कस्टमर तो एक्सटेंशन के लिए 20 जून को आ रहा है, ओरिजिनल मैच्योरिटी को कस्टमर आए नहीं आए, बैंक को अपना कमिटमेंट बचाने के लिए स्पॉट में बेचना है, क्योंकि पहले बैंक ने बाय किया था कैंसिलेशन के लिए तो अभी बेचना है, और वन मंथ फॉरवर्ड में प्रोविजन के लिए बाय करना है। ये इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में दे ना दे, आपको ये करना जरूरी है जब भी स्वॉप लॉस पूछा रहेगा तो, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक बार के समय ये इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने हाईलाइट किया वो उन्होंने गायब कर दिया था। तो सर आप ये भरोसे पे तो नहीं जा सकते कि इन्फॉर्मेशन देंगे तभी मैं करूंगा। आपको याद रखना है 10 जून जो ओरिजिनल मैच्योरिटी था उसमें बैंक को अपना ऑर्डर कमिटमेंट करने के लिए सर स्पॉट में क्या करना है, स्पॉट में बेचना है, और इमीडिएट फॉरवर्ड जो वन मंथ फॉरवर्ड रहेगा उसमें बाय करना है। ये स्वॉप जो होने वाला है ये $2 लाख पे जो भी बैंक का नुकसान होगा वो बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा। ये होता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज स्वॉप लॉस। अब आती है बारी क्या चीज की, अब आती है बारी इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। अब एक चीज समझना जरूरी है कि बैंक तो कस्टमर से कैंसिलेशन चार्जेस 20 तारीख को रिकवर करने वाला है, लेकिन 10 तारीख को बैंक ने अपने जेब से पे कर डाला, तो बैंक ने अपने जेब से कैंसिलेशन चार्जेस कितना पे किया वो अपन समझते हैं। तो बैंक ने कैंसिलेशन चार्जेस, तो बैंक ने ओरिजिनली क्या रेट पे बुक किया था सर, इन्होंने दिया है 64.2800 पे कस्टमर के लिए इंटरबैंक में बुक किया था, और कैंसिलेशन करते बैंक ने स्वॉप में बुक किया था सर, क्या रेट पे स्वॉप में बैंक ने स्पॉट में बेचा था एट 63.8000। तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से बैंक को कुछ नुकसान हुआ है। तो क्या नुकसान हुआ है सर, ऑन 10 जून मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑन 10 जून बैंक विल हैव टू कैंसिल इट्स ओरिजिन इट्स ऑर्डर इन द इंटरबैंक मार्केट, हाउएवर द कस्टमर अपीयर्स ऑन 10 डेज दैट इज 20th जून। तो 10 दिन जो गायब था, इंटरेस्ट विल बी चार्ज टू द कस्टमर ऑन द अमाउंट ऑफ लॉस टू द बैंक ड्यू टू कैंसिलेशन इन द इंटरबैंक एट, उन्होंने दिया है 12% फॉर 10 दिन। तो सर इसका इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले अपन समझते हैं कि बैंक ने क्या किया था सर, बैंक ने ओरिजिनल ऑर्डर मारा था 64.2800 पे, तो 64.2800 पे उसने इंटरबैंक से बाय किया था सर, और इंटरबैंक से बाय किया था, अब इंटरबैंक को स्पॉट में उसने बेचा है, स्पॉट में उसने बेचा है 10 जून को 63.8000 पे बेचा है स्पॉट में, तो $1 पे बैंक ने 0.48 का नुकसान किया था, तो $2 लाख पे 96,000 का नुकसान किया था। अब ये 96,000 बैंक ने तो 10 तारीख को पे कर दिया था, लेकिन कस्टमर 20 तारीख को आया, तो सर बचे हुए 10 दिन के लिए बैंक क्या करेगा, कस्टमर से इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा। तो 96,000 पे 12% मैंने यहाँ पे 365 लिया हुआ है, इंस्टीट्यूट 360 भी लेता है, तो उस लिहाज से सर आपका 96,000 × 12% × 10/365 316 रुपये का आपको इंटरेस्ट आउटले ऑफ फंड्स भी आएगा। तो सर टोटल कॉस्ट जो उन्होंने फिफ्थ पार्ट बोला था, टोटल कॉस्ट में क्या आएगा सर, आपने जो कैंसिलेशन चार्जेस भरना है अमाउंट पेबल वो, स्वॉप लॉस और 316 सब मिलके 186816 होता है, ये होता है आपका कॉस्ट। अब इसी को सर मैं इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के हिसाब से आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ हुआ है। तो सर अपना भी सर आंसर 63.6163 आया था और उसको 63.6175 किया था, तो सर 63 पॉइंट अपना भी कैंसिलेशन का रेट यहाँ पे 63.6163 और 63.6175 तो ज़रूर है। अमाउंट पेएबल वेरी इंटरेस्टिंग है सर, अमाउंट पेएबल में आप इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने ये बराबर लिया हुआ है, लेकिन अमाउंट पेएबल में इंस्टीट्यूट ने एरर किया हुआ है जो शायद इंस्टीट्यूट ने अभी भी अपने बुक में करेक्ट नहीं किया हुआ है। उन्होंने सर यहाँ पे राउंडेड ऑफ रेट ना लेके 63.6163 लिया हुआ है, हालांकि उन्होंने 63.6175 लेना चाहिए था, तो उनका और अपना आंसर मैच नहीं होगा। याद रखना ये इंस्टीट्यूट का एरर है, इंस्टीट्यूट ने गलती किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सब में ऐसा किया है, बाकी सब सब में नहीं किया है। तो हम लोग ने यहाँ पे सर कस्टमर को जो रेट पे फाइनलाइज किया 61.75 वो रेट लिया हुआ है, तो अपना आंसर यहाँ पे इंस्टीट्यूट से अलग है। आप भी एग्जाम में समय तो सर ये राउंडेड ऑफ वाला रेट लेना, वरना सर इधर राउंडेड ऑफ रेट लेके मतलब नहीं था, और इंस्टीट्यूट ने ये सब में सर ये एरर किया है, बाकी सब जो उसने डाला था फिगर्स चेंज करके उसमें उन्होंने राउंडेड ऑफ लिया है, तो ये इंस्टीट्यूट का गलती है वहाँ पे, राइट। इसके अलावा भी गलती है, मैं बताऊंगा क्या क्या गलती है। उसके अलावा सर स्वॉप लॉस में अपन आंसर चेक करते हैं, स्वॉप लॉस अपना उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तो स्वॉप लॉस में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का 0.15 के हिसाब से $2 लाख पे 30,000 होता है, और इंटरेस्ट ऑन आउटले उन्होंने 10 डेज 360 के हिसाब से लिया तो उनका 320 आ रहा है, अपना माइनर चेंज आएगा तो सर यहाँ पे अपना 30,000 स्वॉप लॉस आएगा और इंटरेस्ट ऑन आउटले 316 आएगा, क्योंकि अपन ने 365 लिया हुआ है, इंस्टीट्यूट उसको 360 दिन के हिसाब से गिनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। टोटल कॉस्ट सर अपना 186816 आया, वो माइनर डिफरेंस की वजह से सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का टोटल कॉस्ट जो उन्होंने निकाला 187060 आ रहा है, क्योंकि सर अपना
वहाँ पे कैंसलेशन चार्जेस का जो उन्होंने रेट था अमाउंट एंड पेएबल का, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया हुआ है और ये अपना 316 था। तो आप जो मैंने दिया है वो सॉल्यूशन एग्जाम में करोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने बुक में कभी भी एरर बाद में करेक्ट कर देगा, लेकिन अपने को कॉन्सेप्चुअली करना है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो है क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। तो अभी सर पुराना ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब नया ऑर्डर मारने के लिए अपने को कैंसिलेशन का तो मसला क्लियर हो गया, अभी नया ऑर्डर मारने के लिए अपने को क्या बोला है उन्होंने 20 जून पे, वो अपने को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 10 अगस्त का ऑर्डर मारो। तो कस्टमर वापस क्या करेगा, डॉलर बाय करेगा, तो कस्टमर नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत डॉलर बाय करेगा अगस्त फॉरवर्ड मैच्योरिटी का, 20 जून को वो फॉरवर्ड में बाय करेगा। अब सर 20 जून को अगस्त का रेट आता है सर, ये वाले रेट आता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, ये तो एंड ऑफ द मंथ के, आपको तो 20 अगस्त का चाहिए, तो सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 10 अगस्त का चाहिए, सॉरी 10 अगस्त का चाहिए, अनफॉर्चुनेटली सर यहाँ पे अगस्त और जुलाई दोनों के रेट्स है और ये एंड ऑफ द मंथ है, मतलब ये 31 जुलाई का है और ये 31 अगस्त का है, तो सर इन दोनों के बीच में जो 31 डेज है आपको तो 10 अगस्त का चाहिए, तो आइडियली सर ब्रोकन डेट फॉरवर्ड रेट लेना चाहिए। आइडियली मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे ब्रोकन डेट फॉरवर्ड रेट लेना चाहिए, आपको इंटरपोलेट करके जो स्वॉप पॉइंट्स है, तो 10 दिन के स्वॉप 31 डेज का जो स्वॉप पॉइंट्स है उसको सर 10 दिन से इंटरपोलेट करके आपको ब्रोकन डेट लेने चाहिए 10 अगस्त के। बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा ना करके क्या कर दिया सर, वो जो अगस्त एंड ऑफ द मंथ के रेट्स है उसी को उन्होंने ले लिया है। नाउ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये उन्होंने सब सब में किया हुआ है, तो आप भी शायद कर सकते हो, बट मैं एज ए स्टूडेंट या एज ए प्रोफेसर मैं ये रेकमेंड ना करूं, मेरे हिसाब से ब्रोकन डेट करना चाहिए, ये गलत इन्फॉर्मेशन जो इंस्टीट्यूट ने किया है। बट मैं नहीं चाहता कि आपका 8 मार्क्स जाए, इसके लिए इंस्टीट्यूट शायद अगर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो तो शायद अपने को भी करना पड़े। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, वो 20th जो उसको 10th अगस्त का रेट चाहिए वो अगस्त एंड का लेगा, तो अगस्त एंड का इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, डॉलर बाय करेगा, सामने वाला बैंक बेचेगा एट आस्क रेट, तो 64.2500 का रेट लगेगा आस्क रेट। अब क्योंकि एसेट खरीदा जा रहा है तो बैंक चार्जेस ऐड होगा, तो बैंक चार्जेस ऐड करके 64.3143 हो जाएगा, और याद रखना राउंडेड ऑफ भी करना है 25 पिप्स में, तो सर 3150 हो जाएगा, 64.3150 होगा। अब इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में भी शायद अनफॉर्चुनेटली यही चीज किया हुआ है उन्होंने, 3150 का रेट लिया हुआ रहेगा, हाँ 64.3150 का रेट लिया हुआ है, बट मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरे हिसाब से सर उन्होंने ब्रोकन डेट लेना चाहिए, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को क्लास में नोट लिखाता हूँ, क्या द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट एज पर ICAI अजम्पशन दैट द रेट मेंशन ऑन 20th जून आर रिक्वायर्ड रेट। ICAI क्या बोलता है, ये जो 20 जून को रेट है वो 10 अगस्त के, जो मेरे हिसाब से गलत है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ब्रोकन डेट शुड हैड बीन अप्लाइड, तो उन्होंने ब्रोकन डेट लगाना चाहिए था वहां पे, वो नहीं किया। दूसरा एक चीज सर सम के अंदर, अभी मैं छोटी छोटी चीजें क्लियर करता हूँ, सम तो यहाँ पे आपका हो गया, सर क्या क्या चीजें क्लियर करना है सर, जैसे मैंने पहले बताया ये रेट्स और राउंडेड ऑफ, और 10 जून वाला जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो हर सम में नहीं देते, लेकिन आपको रेट राउंड ऑफ करना है। रेट राउंड ऑफ करने में इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा गलती है, क्या गलती है सर मैं बता रहा हूँ, कि आप कस्टमर को जब बेच रहे हो एज अ बैंक, जब मैं कस्टमर को डॉलर बेच रहा हूँ तो जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो सर अगर वो मतलब राउंड ऑफ क्या करूंगा सर, 50.0025 आता है तो मैं 50.50 कर दूंगा, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा अपन आगे राउंड ऑफ करते हैं, कब, जब बैंक कस्टमर को बेचता है तो वो थोड़ा ज्यादा करके राउंड ऑफ, जैसे आप कोई दुकान से कोई चीज खरीदते हो तो सर सामने वाला राउंड ऑफ क्या करेगा, नेक्स्ट वाले उस पर राउंड ऑफ करेगा क्योंकि वो बेच रहा है, लेकिन जब बैंक कस्टमर से खरीद रहा है तो राउंड ऑफ होगा तो लोअर एंड पे राउंड ऑफ होना चाहिए, हायर एंड पे राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए, वरना बैंक का नुकसान है। तो यहाँ पे सर बैंक क्या कर रहा है, बैंक अगर आपने फर्स्ट कैंसिलेशन रेट देखा, बैंक उसको डॉलर बेच रहा है तो आइडियली उसका 63.6163 होना चाहिए जो रेट है, तो उसके बेसिस पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि नेक्स्ट 25 पे राउंड 75 उसको देना है। बैंक क्यों नुकसान करेगा, बैंक कस्टमर को 63.6175 क्यों देगा राउंड ऑफ करके, बैंक उल्टा कम करेगा, 63.6150 देना चाहिए। तो सर ये राउंडिंग ऑफ का जो इश्यू है वो इंस्टीट्यूट ने क्लियर करना चाहिए, कोई ऐसा कानून नहीं है कि नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ करना है, प्रीवियस वाले में भी करना हो सकता है डिपेंडिंग कि बैंक डॉलर बेच रहा है या खरीद रहा है। अगर एज मैं नॉर्मल बिजनेसमैन देखूं तो अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूं तो मैं नेक्स्ट वाले पे राउंड ऑफ करूंगा, लेकिन खरीद रहा हूं तो प्रीवियस वाले पे राउंड ऑफ करूंगा। ये इंस्टीट्यूट का थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने जितने भी सम किए, फिर वो एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, हालांकि अनफॉर्चुनेटली सब इंपोर्टर वाले समय उसमें नेक्स्ट वाला राउंड ऑफ ही किया हुआ है, जो मेरे हिसाब से इस बारे में या तो क्लैरिटी होना चाहिए या तो ये नहीं ऐसा होना चाहिए। ये एक चीज दिया। दूसरा, मैंने आपको जैसे एरर बताया कि उन्होंने रेट्स राउंड ऑफ कर दिया लेकिन कैंसिलेशन के वक्त वो ये रेट लेना भूल गए, ये सब में बाकी सब समझ में लिया हुआ है। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे कि जो
उन्होंने एक्सटेंशन के लिए जो रेट 20 जून को जो रेट लिया हुआ है, जो 10 अगस्त के एंड का लिया है, हालांकि उन्होंने क्या करना चाहिए था, उन्होंने वहां पे रेट लेना चाहिए था सर, ब्रोकन डेट के हिसाब से रेट लेना चाहिए था, 10 दिन का इंटरपोलेट करना चाहिए था, हालांकि सब लंबा चौड़ा हो जाता जो 8 माह के लिए बहुत कंबरसम होता, बट इंस्टीट्यूट ने ये करना चाहिए था। और एक और चीज़ है सर, जब कस्टमर और बैंक डील करते हैं तो उन्होंने जो आपको रेट्स दिए हैं सर, वो जो आपको इंटरबैंक में रेट्स, ये जो बेसिकली 10 जून और 20 जून का रेट का स्केड्यूल दिया है सर, ये कस्टमर और बैंक के बीच में के रेट्स है, यही रेट्स को उन्होंने इंटरबैंक के भी रेट्स कंसिडर किए हैं। आइडियली सर इंटरबैंक का रेट का चार्ट अलग होता है, कस्टमर का रेट का चार्ट अलग होता है, इंटरबैंक में और कस्टमर के रेट सेम नहीं हो सकते, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दोनों को बाइफरकेट नहीं किया हुआ, तो सेम रेट यूज करने ही बोला है। एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप कस्टमर के साथ बाई सेल करते हो तो कस्टमर को मार्जिन लगता है, लेकिन इंटरबैंक में बाई सेल करने पे कोई मार्जिन नहीं लगता है, वहाँ पे स्प्रेड डिफरेंस होता है जो सामने वाला बैंक ले लेता है। तो इसीलिए सर यहाँ पे भी जब भी मेरा ट्रांजेक्शन बिटवीन क्या कस्टमर के साथ हो रहा था, तो कैंसिलेशन के वक्त स्टार्टिंग में और नया रेट लगाते वक्त तभी मैंने राउंडिंग ऑफ किया है या तभी मैंने वहां पे मार्जिन लगाया है, लेकिन इंटरबैंक में जब भी हो रहा है जैसे स्वॉप लॉस वगैरह हो रहा है तो इंटरबैंक में सर अपन ने कोई मार्जिन नहीं लगाया, क्योंकि इंटरबैंक में कोई मार्जिन नहीं लगता है। तो मार्जिन्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द इंटरबैंक मार्केट, ये आपको याद रखना जरूरी है। वहां पे इंस्टीट्यूट मेंशन करे ना करे, बाय डिफॉल्ट भी इंस्टीट्यूट जब भी इंटरबैंक सौदे होता है वहां पे मार्जिन कंसिडर नहीं करता, लेकिन कस्टमर के रेट में वहां पे मार्जिन कंसिडर करता है। इस लिहाज से ये पूरा सम है, तो सर आप जरूर कीजिए, अच्छे से समझ के कीजिए। मैंने इस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को क्लास में बहुत सारी नोट्स वगैरह लिखाई है कि कैंसलेशन रेट क्या होता है, अमाउंट पेबल, स्वॉप लॉस, इंटरेस्ट नोट ले क्यों होता है, तो इसके बारे में विस्तार से मेरा 2-2.5 घंटे का वीडियो है जो मैंने क्लास में रिकॉर्ड करते वक्त मैं उनको पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि फॉरवर्ड रेट्स क्या होता है, क्यों कैंसलेशन होता है। तो पूरा मार्केट आप समझोगे तो सही रहेगा, हालांकि यहाँ पे RTP में आपके पास कम टाइम रहेगा, तो सर फिर भी ये शायद आधे घंटे जितने का सम हो रहा है, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बट इसको जरा अच्छे से करिए क्योंकि ये बार बार आते जा रहे हैं सम, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर 88 मार्क्स, इंस्टीट्यूट हैज रिपीटेडली आस्क्ड एंड इट मे सो आस्क इन द फ्यूचर आल्सो, राइट, थैंक यू।